यूँ तो भारत के हर राज्य की अपनी अलग संस्कृति और पहचान है, लेकिन आज हम जिस राज्य के बारे में बात करने वाले हैं, उसको भारत का सबसे खूबसूरत प्रदेश कहा जाए तो गलत नहीं होगा। भारत में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क इसी राज्य में स्थित हैं और सबसे ज्यादा आदिवासी लोग भी भारत के इसी राज्य में निवास करते हैं। यहाँ का खाना, लोकगीत, त्योहार और परंपराएं भारत के अन्य राज्यों से बिल्कुल अलग है। ये एक ऐसा राज्य दोस्तों जो कई ऐतिहासिक किलों की धरोहर है। इस राज्य में एक ऐसी नदी भी है जो उल्टी बहती है और इतिहास से लेकर आज तक कई महान लोगों ने इस राज्य में जन्म लिया है। ये एक ऐसा राज्य है जो एक समय पर भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, लेकिन सन 2000 में छत्तीसगढ़ को इस प्रदेश से अलग कर दिया गया था, जिसके बाद से लेकर आज तक ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बना हुआ है। इस राज्य में एक ऐसी जगह भी है जहां पिता बेटी की विदाई के वक्त अपने दामाद को सांप देते हैं। आई थिंक छत्तीसगढ़ का नाम आते ही आप समझ गए होंगे कि हम किस प्रदेश की बात कर रहे हैं। जी हां, ये कोई और नहीं बल्कि है मध्य प्रदेश। तो चलिए एक साथ चलते हैं मध्य प्रदेश के सफर पर। दोस्तों आज के समय में मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या 82.34 मिलियन यानी कि 8,34,00,000 के आसपास है। राज्य की सीमाएं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और छत्तीसगढ़ से लगती हैं। यहाँ पर बोली जाने वाली सबसे प्रमुख भाषा हिंदी है, हालांकि कुछ जनजातीय क्षेत्रों में इसके अलावा अन्य भाषाएं भी बोली जाती हैं। राज्य की 90% आबादी हिंदू है, तो वहीं 6.5% लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। इसके अलावा जैन, बौद्ध, सिख और ईसाई धर्म के लोग भी यहाँ पर रहते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश को भारत का दिल या हार्ट ऑफ नेशन भी कहा जाता है। इस राज्य की स्थापना 1 नवंबर सन 1956 को हुई थी। आपको बता दें कि पहले इस राज्य की राजधानी नागपुर हुआ करती थी, लेकिन 1956 में राजधानी को नागपुर से भोपाल शिफ्ट कर दिया गया। भारत के मध्य में स्थित होने के कारण ही इसका नाम मध्य प्रदेश रखा गया है और एक समय पर इसे मध्य भारत के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों मध्य प्रदेश में आज तक कई शासकों ने राज किया, जिसमें मराठा, चौहान, बुंदेल और चंदेल शामिल हैं। मुगलों और अफगानों ने भी मध्य प्रदेश की धरती पर कई सालों तक हुकूमत की है। भारत के इतिहास के सबसे महान राजाओं में शुमार राजा विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैन भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है और ये राज्य अपने कल्चर और शिल्प कला के लिए पूरे दुनिया में जाना जाता है। दोस्तों भारत की सबसे पुरानी नदी नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा माना जाता है। ये इस राज्य की सबसे प्रमुख और भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और नर्मदा नदी की खास बात ये है कि ये विपरीत दिशा में बहती है। यस, और भारत की सभी नदियां जहां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, ये नदी रिफ्ट वैली में विपरीत ढलान होने के कारण पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश भारत में सबसे ज्यादा आदिवासी समुदाय वाला राज्य है। प्रतिशत के लिहाज से देखा जाए तो राज्य की 21% आबादी जनजातीय समुदाय से ताल्लुक रखती है। इसमें गोंडी, भील, बैगा, कोरकू, कोल, सहरिया जैसी जनजाति सबसे प्रमुख है। दोस्तों मध्य प्रदेश को लैंड ऑफ टाइगर्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहां के नेशनल पार्क में बड़ी संख्या में बाघ और रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। जितने बाघ मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, उतने शायद दुनिया के किसी भी जंगल में नहीं देखने को मिलेंगे। आज के समय में मध्य प्रदेश में कुल 10 नेशनल पार्क्स, 6 टाइगर रिजर्व, 24 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं और इस कारण से पूरे राज्य में आपको हर तरफ हरियाली और जंगल ही जंगल नजर आएंगे। इनमें बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पेंच टाइगर रिजर्व सबसे प्रमुख है। हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक मध्य प्रदेश में बाघों को देखने के लिए आते हैं। फेमस किताब जंगल बुक मध्य प्रदेश के इन्हीं जंगलों से इंस्पायर्ड होकर लिखी गई थी। दोस्तों मध्य प्रदेश का पन्ना जिला अपने हीरे की खदानों के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। भारत के सबसे ज्यादा हीरे यहीं पर पाए जाते हैं। लगभग 50 किलोमीटर के एरिया में यहाँ पर जमीन के नीचे हीरे पाए जाते हैं और हजारों लोग आज भी यहाँ पर हीरा निकालने के काम में जुटे हुए हैं और मन लगाकर काम कर रहे हैं। दोस्तों पन्ना की हीरा खदानों का सालाना व्यापार $1 बिलियन से भी ज्यादा पहुँच गया है। साथ ही ये कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट और डोलोमाइट में भी समृद्ध है। इसके अलावा चंदेरी की साड़ी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। चंदेरी में सिल्क से बनने वाली साड़ी की डिमांड आज देश के कोने कोने में है। दोस्तों मध्य प्रदेश की धरती को काफी पवित्र माना जाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में ही स्थित है। महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग श्रद्धालुओं के बीच में पवित्र आस्था का केंद्र है और इसके अलावा उज्जैन में भी कई और ऐतिहासिक मंदिर बने हुए हैं, जिनमें काल भैरव मंदिर और महादेव के मंदिर प्रमुख हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश के उज्जैन को महाकाल की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। हर 12 साल में यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। आखिरी बार साल 2016 में यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन किया गया था और अब साल 2028 में उज्जैन में कुंभ मेला देखने को मिलेगा। कुंभ मेले के अलावा भी अन्य कई त्योहार और फेस्टिवल मध्य प्रदेश में बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। खंडवा जिले के पास नर्मदा नदी का हनुवंतिया आइलैंड बना हुआ है। यहाँ हर साल भारत के सबसे बड़े जल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा भगोरिया हार्ट फेस्टिवल, मालवा उत्सव, तानसेन समारोह, खजुराहो डांस फेस्टिवल जैसे अनेकों फेस्टिवल्स का आयोजन किया जाता है। साथ ही होली, दिवाली, दशहरा जैसे त्योहार तो यहाँ क्या ही बोले, बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश की टोटल GDP $150 बिलियन के करीब है। राज्य में
सबसे ज्यादा लोग कृषि से ही जुड़े हुए हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रीज, मिनरल रिसोर्सेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री आदि क्षेत्रों में भी मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मदद मिलती है। सोयाबीन, चना, उड़द, तुअर, मसूर के उत्पादन में मध्य प्रदेश पूरे भारत में पहले स्थान पर आता है। तो वहीं मक्का, तिल, मूंग के उत्पादन में राज्य दूसरे नंबर पर है। इसके अलावा गेहूं, चना, मटर, सरसों, गन्ने का उत्पादन भी यहां पर काफी बड़े पैमाने पर किया जाता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में कई महान हस्तियों का जन्म हुआ है। चंद्रशेखर आजाद, अटल बिहारी वाजपेयी, लता मंगेशकर और तनिता भील जैसे महान लोगों का जन्म मध्य प्रदेश की पवित्र धरती पर ही हुआ है। साथ ही पूर्व क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी, फिल्म जगत के मशहूर कलाकार सलमान खान, अर्जुन रामपाल, किशोर कुमार और जया बच्चन जैसे अनेक विभूतियों का जन्म मध्य प्रदेश में ही हुआ है। मध्य प्रदेश में आज भी कई अजीबोगरीब परंपराएं निभाई जाती हैं। गौरिया एक ऐसी आदिवासी समुदाय है जहां पर बेटी की विदाई के वक्त पिता 21 जहरीले सांप देकर उसे घर से विदा करता है। और हां, माना जाता है कि सांप ना देने से लड़की का घर टूट जाता है। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि इस समुदाय का मुख्य काम है सांप पकड़ना और उसे लोगों को दिखाकर पैसे कमाना। दोस्तों, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में रज्जर नाम का एक समुदाय रहता है जहां के लोग खुद को पांडवों का वंशज बताते हैं। ये लोग हर साल एक अजीब सी परंपरा का पालन करते हैं जिसमें कांटों के ऊपर लोग लेटते हैं और खुद को दर्द पहुंचाते हैं। एक समय तो ऐसा था जब मध्य प्रदेश की गिनती भारत के सबसे बीमार राज्यों में की जाती थी, लेकिन आज ये एक समृद्ध राज्यों में गिना जाता है। राज्य के ज्यादातर घरों में 24 घंटे बिजली की सुविधा उपलब्ध है। पढ़ाई लिखाई के मामले में भी मध्य प्रदेश तेजी से तरक्की कर रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के बुंदेला में वीणा वंदिनी नाम का एक ऐसा स्कूल है जहां के सभी स्टूडेंट्स दोनों हाथों से लिख सकते हैं। जी हां, इस स्कूल में 200 बच्चे पढ़ते हैं जिन्हें पहली क्लास से ही दोनों हाथों से लिखना सिखाया जाता है और बच्चा 8वीं क्लास तक पहुंचते इसमें बिल्कुल एकदम एक्सपर्ट हो जाता है, 3D वाले प्रोफेसर की तरह। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की बात चली रही है और संगीत की बात ना आए ऐसा कैसे हो सकता है यार, क्योंकि संगीत जगत में अपना नाम अमर करने वाली महान तानसेन भी मध्य प्रदेश से ही ताल्लुक रखते थे। बधाई डांस, राई डांस, चोट कोरा डांस, भगोरिया डांस आदि राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं। साथ ही मध्य प्रदेश का खाना भी काफी लजीज माना जाता है यार, और यहाँ के लोगों की सुबह की शुरुआत पोहे और जलेबी के साथ होती है। इसके अलावा भुट्टे का कीस, दाल बाफला, सीख कबाब, चक्की की शाक और पालक पूरी का स्वाद तो क्या ही बोले, एकदम लजीज रहता है। ये आपको मध्य प्रदेश में खाने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, लखनऊ के बाद अगर किसी जगह का पान सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है तो वो है भोपाल। भोपाल का पान बहुत फेमस है। अगर आप मध्य प्रदेश जाएं तो भोपाल का पान एक बार जरूर ट्राई करें। चलिए दोस्तों, अब आपको मध्य प्रदेश की बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में बताते हैं जो आपके सफर को और मजेदार बनाने के लिए काफी है। खजुराहो मध्य प्रदेश का एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल है जहां पर कई प्राचीन मंदिर बने हुए हैं और उन मंदिरों के बाहर की गई नक्काशी काफी फेमस है। खजुराहो के मंदिर के बाहर आपको कामसूत्र की कलाकृतियां बनी हुई नजर आएंगी जिन्हें देखने के लिए देश विदेश से हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। ये जगह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में भी शामिल है। रायसेन जिले के अंतर्गत आने वाली भीमबेटका में 600 से ज्यादा प्राचीन गुफाएं हैं। यहां की दीवारों पर आपको 12,000 साल पुरानी पेंटिंग्स देखने को मिलेगी। इसमें कई गुफाएं 1,00,000 साल पुरानी बताई जाती हैं। ये जगह भी यूनेस्को की विश्व ऐतिहासिक धरोहर की सूची में शामिल है। साथ ही 3rd शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया सांची का स्तूप भी वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप ग्वालियर शहर जरूर जाइए। यहां का बना हुआ ग्वालियर फोर्ट भारत के सबसे बड़े किलों में से एक माना जाता है। इसके अलावा यहां पर सिंधिया परिवार का ऐतिहासिक जय विलास पैलेस भी आप घूमने के लिए जा सकते हैं। ग्वालियर से कुछ ही दूरी पर स्थित झांसी में रानी लक्ष्मीबाई का झांसी का किला आप घूम सकते हैं और झांसी के पास ही ओरछा नाम की जगह है। ये जगह आपको जरूर पसंद आएगी। यहाँ पर राजा राम का मंदिर है और भारत में इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान राम की पूजा राजा के वेश में की जाती है। मांडू शहर में आप मांडू फोर्ट जा सकते हैं। पचमढ़ी पहाड़ी और अमरकंटक जैसे हिल स्टेशन पर आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ में जा सकते हैं। यहाँ की ताजी हवा तो आपको मंत्रमुग्ध कर देगी और आपका यहाँ से वापस आने का तो मन ही नहीं करेगा। और दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश में घूमने के लिए जा ही रहे हैं तो आप इंदौर, भोपाल, जबलपुर, सागर, उज्जैन और मुरैना घूमने के लिए जा सकते हैं। इन सभी शहरों में आप कई ऐतिहासिक जगह और प्राचीन मंदिरों को देखने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है और इसीलिए आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए सभी साधन आसानी से मिल जाएंगे। आप सड़क मार्ग, रेल मार्ग या फिर हवाई मार्ग किसी भी तरीके से मध्य प्रदेश तक पहुँच सकते हैं। कनेक्टिविटी जबरदस्त है। आप भारत के एक कोने से दूसरे कोने में जाएंगे तो मध्य प्रदेश से होकर ही गुजरना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था भारत के बहुत ही खूबसूरत राज्यों में से एक मध्य प्रदेश। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप में से अगर कोई मध्य प्रदेश से है तो हमें जरूर बताना। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आज की वीडियो में आपको मध्य प्रदेश की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। वैसे क्या आप गए हो मध्य प्रदेश, और गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, ये भी हमारे साथ जरूर शेयर करिए।